जिंदगी में फैसले कैसे लेना या फैसला कैसे लेना, इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। महाभारत में भगवान कृष्ण ने जगह जगह पर अर्जुन को जो उपदेश किया है उसमें काफ़ी सारी बातें इसमें की आती है, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि सही निर्णय, सही फैसला कैसे लेना, कब लेना, उसका क्या मायना है, क्या महत्व है। तो नंबर एक, मैं इसे आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। नंबर एक जो है वो है कि भाई जब आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में होते हैं तब निर्णय नहीं लेना चाहिए। क्या होता है कि जैसा अर्जुन बहुत भावना में था, भावनाविक था, और वो भावना आविक जो था कि नहीं मेरे सामने सब लोग बैठे हैं, सब लोग खड़े हैं, जो लोग मेरे कजिन्स है, मतलब भाई है, चाचा है, सब लोग, उनको मैं कैसा मारूं, तो ऐसी भावना उसको आगे दुख हो गया। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भाई कभी भी जब आप भावना तिरेक जब है, भावना अतिरेक, तब आपने निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो निर्णय गलत साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने उसमें उपदेश करके वहाँ से उसको अर्जुन को ठिकाने पे लाया हुआ है। आप देखो आपके बच्चे जो है वो जब मोबाइल खेलते हैं तब उनको हमारा निर्णय रहता है कि नहीं, उनको खेलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम बोलते नहीं, बच्चा रोएगा बेचारा, एक ही बेटा है, एक ही बेटी है, मोबाइल अपन ने छीन लिया तो वो रोता है, और उसको मोबाइल हम खेलने देते हैं। हमको वो निर्णय उस समय लेना जरूरी होता है कि कितने समय तक उसको मोबाइल खेलने देना है। अभी उसको दुख भी लगे, वो चिल्लाए चीखे, आपको भी अच्छा ना लगे, मगर आपको वो निर्णय लेना है, वो फैसला करना है कि भाई मोबाइल उससे छीन लेना है, तो मोबाइल एडिक्ट हो जाएगा, बुरे मूवीज़ देखेगा और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। नंबर दो जो है वो बहुत ज़्यादा आनंद है, बहुत ज़्यादा दुख है, या बहुत ज़्यादा उत्साह है, उसमें कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। आपका लाइफ बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी चीज़ को यदि आप बहुत ही खुशी है आपको और खुशी में आप है, तो आप क्या करते हैं कि कभी भी फटाक से किसने कुछ बोल दिया तो आप उसको हाँ बोल देते हैं और बाद में पछताने की नौबत आती है, या कभी दुख है तो आप उसको ना बोल देते हैं और अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अच्छे मौके हाथ से निकल जाते हैं। तो आपको पता है कि आप बहुत दुखी अवस्था में या बहुत खुश अवस्था में, उस समय निर्णय लेना नहीं है, बोलना 48 आवर्स दो, 48 घंटे के बाद में मैं इसके बारे में हाँ या ना आपको बोलूँगा। तीसरा जो है कि परिणाम जो क्या होने वाले हैं उसका विचार मत करो। परिणाम देखो, भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म बताया हुआ है भगवद गीता में। तो निष्काम कर्म क्या होता है कि परिणाम की चिंता नहीं करना है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। क्या होता है कि हम सपोज एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए 7 दिन 8 दिन जिम में जाएंगे, बोलेंगे देखो अभी मसल्स नहीं बिल्ड हो रहे हैं, अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो हम छोड़ देंगे। परिणाम की चिंता मत करो, आप सिर्फ कृति करते जाओ और परिणाम आपको अपने आप मिलते जाएंगे। इतना है कि आपकी जो कृति है, आपकी जो एक्शंस है, वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो आपको यदि परिणाम दिखते नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि परिणाम के ऊपर नज़र नहीं होना चाहिए, एक नज़र होनी चाहिए कृति के ऊपर, एक नज़र होनी चाहिए परिणाम के ऊपर, और आपको परिणाम भी देखने होंगे कि परिणाम बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, और परिणाम मतलब रिजल्ट्स नहीं आते होंगे तो आपको आपकी एक्शंस चेंज करनी पड़ेंगी। मगर ऐसा नहीं कि आपकी सिर्फ नज़र परिणामों के ऊपर है, ऐसा करेंगे तभी आपकी कृति बराबर होंगी नहीं। तो चौथा जो है कि जो समाज के लिए अच्छा है वो आपके लिए अच्छा है। अध्याय नंबर 3 में उन्होंने बोला हुआ है कि समझो आपको अच्छा लगता है मगर समाज को अच्छा नहीं है तो वो आपने नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आई हुई है, जिसमें आपको बहुत अच्छा शराब का दुकान है उसका लाइसेंस मिल सकता है, रिटेल लाइसेंस है, होलसेल लाइसेंस है, होटल है, उसकी परमिशन मिल रही है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, मगर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत पैसा मिल सकता है, समाज के लिए अच्छा नहीं है तो आपने वो नहीं करना चाहिए। तो जो भी कुछ आपके लिए अच्छा है तो आपने, ऐसा नहीं कि समाज के लिए ख़राब है तो आप करेंगे, क्योंकि आप समझो आपका मकान है, आप अपना मकान जो है, अपना घर जो है एकदम साफ़ सुथरा करेंगे, एकदम स्वच्छ कर डालेंगे, और पूरा कचरा उठा के यदि घर के बाहर आप रखते हैं वो समाज के लिए ख़राब है, समाज के लिए भी घातक है, क्योंकि वहाँ से बीमारियाँ फैल सकती है, वो कचरा, वो गंदगी बाहर रास्ते पर है, वो सब फैल रहे इधर उधर, तो समाज की हालत ख़राब हो जाएंगी, लोगों की हालत ख़राब हो जाएंगी, अल्टीमेटली आपकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपको जो अच्छा है मगर समाज को जो बुरा है वो आपने नहीं करना चाहिए। तो नंबर 5 जो है कि अच्छा मार्गदर्शन मिलना, ये बहुत अच्छी बात होती है, तो अच्छा मार्गदर्शन ले लेवे। जब भी आप कन्फ्यूजन में हैं, जब भी आपको समझता नहीं कि अभी कौन सा निर्णय लेना चाहिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये करूं कि वो करूं, मालूम होता नहीं है, द्विधा मनस्थिति होती है, तो डेफिनेटली आपने अच्छे कोच से मिलकर उससे सलाह लेनी चाहिए। मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हरदम आपके लिए कोच रहना बहुत ही ज़रूरी है आपके पास में। यदि आपके पास कोच है तो डेफिनेटली आपको वो
सपोर्ट करेंगे, आपको वो सहायता करेंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल